सत श्री अकाल जी, तुसी वेख रहे हो पंजाबी न्यूज़। मैं तुहाडे नाल हरप्रीत सिंह गिल खबरों का विस्तार करांगे, पर सब तो पहले एक नज़र हुण तक दीआं सुरखियां ते। छियाठवें दिन भी खेतीबाड़ी कानूनों खिलाफ किसानों का अंदोलन लगातार जारी। किसान आगुआं ने दिल्ली के बॉर्डर उत्ते कीती एक रोजा भुख हड़ताल। भारतीय किसान यूनियन के आगू बलबीर सिंह राजेवाल ने चंडीगढ़ च कीती प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा केंद्र सरकार रच रही है अंदोलन नूं फेल करन दी साजिश। दिल्ली च बजट सैशन नूं लैके केंद्र सरकार वल्लों सद्दी गई आल पार्टी बैठक। बैठक च पीएम ने किसान अंदोलन बारे दित्ता बयान, कहा सरकार किसानों नाल गलबात करन लई हर वेले तैयार। तो हुण खबरां विस्तार नाल। सब तो पहलां गल करदे हां किसान अंदोलन की। नवें खेतीबाड़ी कानूनों खिलाफ किसानों का अंदोलन छियाठवें दिन भी लगातार जारी है। दिल्ली नूं हरियाणा नाल जोड़न वाले सिंघू सरहद उत्ते भारी सुरक्षा मुलाजम तैनात किए गए हैं। बीते दिन सिंघू बॉर्डर उत्ते कुछ शरारतियों वालों किसानों उत्ते पथराव किया गया सी। इस मामले च पुलिस ने 44 किसानों हिरासत च लिया। उधर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 29 जनवरी नूं रात 11 बजे तो 31 जनवरी रात 11 बजे तक लई सिंघू गाजीपुर टिकरी सरहद उत्ते उन्हां दे आसपास दे इलाकों में इंटरनेट सेवाओं नूं अस्थाई रूप नाल बंद कर दिता है। यह जानकारी गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने दी। दिल्ली दिन सरहदों उत्ते किसान नवे खेती कानून खिलाफ़ रोस प्रदर्शन कर रहे हैं। खेती कानून खिलाफ़ किसान दिल्ली दिन बरूह उत्ते डटे हुए हैं। किसान अंदोलन पिछले दो महीने तो लगातार जारी है। भारतीय किसान यूनियन के आगू बलबीर सिंह राजेवाल ने अज चंडीगढ़ किसान भवन तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके उन्होंने केंद्र सरकार उत्ते अंदोलन फेल करने की साजिश रचने के इल्जाम लाए। राजेवाल ने कहा कि दुनिया के इतिहास में किसान अंदोलन शांतमई अंदोलन वजों लिखा जाएगा। उन्होंने दिल्ली जा रहे किसानों को अपील की कि वह भड़काहट में ना आने शांति बरकरार रखन। जी 26 जनवरी की घटना सी जो होया मंदभागा होया उसके बावजूद हुण फिर दोबारा अंदोलन अपने जोबन ते है। सारे लोगों की बहुत वड्डी गिणती विच हरियाणे के लोगों की हुण यूपी के लोगों की पंजाब राजस्थान उत्तराखंड ये सारिया स्टेटा तो वड्डी गिणती च लोग उत्थे पहुँच रहे ने। ते संभावना यह है कि 2 तारीख तक ये फिर रिकॉर्ड गैदरिंग उत्थे होएगी। सब तो वड्डी गल फिर यह कि ये पीसफुल होएगी। मैं एक बेनती तुहाडे थ्रू लोगों नूं करना आ, उत्थे जिथे असीं बैठे हाँ सरकार ने नैट बंद कर दिता है, हरियाणे च भी नैट बंद कर दिता है। तो कई बारी वो पानी बंद कर देंगे ने, साड़ी पानी की सप्लाई बंद कर देंगे ने, बिजली सप्लाई बंद कर देंगे ने। लोगों के सामने सही तस्वीर नहीं जाती। जो मंदभागियां घटनावां हुई उन्हां दियां तस्वीरां दिखा के लोगों नूं डराई जाते ने सरकार वाले, लोगों नूं लोगों विच गलतफहमियां पैदा कर रहे ने, लोगों नूं गुमराह कर रहे ने, गुमराह को प्रचार करके अंदोलन नूं बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तुहाडे राही सारे देशवासियों नूं बेनती करांगा, ये अंदोलन अज देश दे 713 चों 700 जिलों विच पूरी सरगर्मी नाल चल रहा है। दिल्ली विखे बजट सैशन नूं लैके केंद्र सरकार वल्लों आल पार्टी बैठक की गई। बैठक की अगवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस बैठक च किसानों के मुद्दे उत्ते गलबात हुई। बैठक दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार किसानों नाल खेती कानूनों उत्ते गलबात लई तैयार है। उन्हें कहा कि किसान गलबात करना चाहुण तां दिल्ली विखे विज्ञान भवन में आ सकते हैं। बैठक दौरान पीएम मोदी ने तमाम पार्टियों के नेतावान को कहा कि सरकार ते किसानों विचाले गलबात का रस्ता हमेशा खुला है। उन्हें कहा कि किसानों ते मेरे विचकार सिर्फ एक गल की दूरी है। दस दिए कि आल पार्टी बैठक च कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, शिवसेना सांसद विनायक राउत और श्रोमणी अकाली दल के बलविंदर सिंह भूंदड़ते आम आदमी पार्टी के सांसद मैंबर भगवंत मान ने किसानों का मुद्दा जोर शोर चुकया। उत्थे जनता दल यूनाइटेड के सांसद RCP सिंह ने खेती कानूनों का समर्थन किया। उधर हरियाणा के सीनियर कांग्रेसी आगू और लोग सभा मैंबर दीपेंद्र हुड्डा सैक्टर 17 चंडीगढ़ में किसान संघर्ष की हिमायत वजों भुख हड़ताल कैंप च पहुंचे। इस मौके उन्होंने हरियाणा की खट्टर सरकार को किसान विरोधी करार दिता। उन्हें कहा कि केंद्र सरकार किसानों की मंगा मनने की बजाय किसान संघर्ष फेल करने वास्ते कोझियां चालां चल रही है जिन्हों सफल नहीं होने दिता जाएगा। सबसे ज़्यादा जो भूमिका एक रही है किसान विरोधी भूमिका, तो हरियाणा सरकार की रही शुरू से। पंजाब से किसान शांतिप्रिय तरीके से दिल्ली रामलीला ग्राउंड की तरफ बढ़ रहा था, हरियाणा में कहीं धरने देने का भी
कोई कार्यक्रम नहीं था, मगर हरियाणा सरकार ने इस तरह सड़कों पर गड्ढे खोदे, आंसू गैस के गोले छोड़े, बौछार छोड़ी, अपना वाटर कैनन और अपना हर तरीके से लाठीचार्ज किया किसानों पर वहाँ से लेकर, और जब मुख्यमंत्री जी ने ज़बरदस्ती कार्यक्रम करने की कोशिश करी पीछे तीनों कानूनों को के फायदे बताने के लिए, जबकि बातचीत उस समय चल रही थी, वहाँ से लेकर अब इंटरनेट बंद कर दिया, सारे 14 जिलों में हरियाणा के अंदर इंटरनेट बंद, डेटा बंद कर दिया जिसकी, तो ये कहीं ना कहीं मैं जो हरियाणा सरकार का जो पूरा एक रवैया रहा है वो बड़ा इसमें निराशाजनक रहा। किसानों की ट्रैक्टर परेड दौरान दिल्ली हिंसा च लापता हुए जिला मोगा के 11 नौजवान दिल्ली की तिहाड़ जेल च बंद ने, यह जानकारी दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने दी है। उन्होंने दसिया कि 26 जनवरी के मामले में दोषी ठहराए गए लोगों लिए दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी कानूनी लड़ाई लड़ेगी। कल तो एक वट्सएप के उत्ते बच्चों की जानकारी मिली, जथेदार अकाल तख्त साहब ने भी उसनों बड़ी चिंता की कि 11 बच्चे जोड़े कि मोगे के ने लापता ने, जिस दिन तो 26 तरीक तो यह दिल्ली के अंदर मार्च हुई और वह हिंसक हुई, उसकी असी मैं हमने सारी जानकारी जॉइंट सीपी नाल गल करके इतों की जानकारी ली। इन्हों नांगलोई पुलिस स्टेशन के अंदर अरैसट किया गया सीगा और हुण इन्हों तिहाड़ जेल के अंदर भेज दिता गया। सब तो पहले तो दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी सबनों ये बेनती करना चाहती है, मैं सवेर का इसे काम लगा, सवेर के बहुत सारे फोन कोई नरेला तो कौलीपुर बंदे फड़े हुए ने, कोई नरेला च मुंडे फड़े हुए ने, जगह जगह ने, और उन्होंने सब की पैरवाई दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी कर रही है। मैं सबनों एक पहला यह बेनती करना चाहता, तुहाड़ी जानकारी कोई भी ऐसा केस आता है, कोई बच्चा मिसिंग आ, किस दे बारे च पता नहीं लग रहा, वह साड़ी जानकारी जरूर लेके आओ। दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने अपना एक लीगल हैड का पैनल बनाया है जिदे अंदर एडवोकेट जिम्मेवार लोग पाए गए हैं, बड़े सारे वॉलंटियर्स ने भी साडा उहदे अंदर साथ दे रहे हैं, बड़ी विमेन एडवोकेट भी साडा साथ दे रही ने, उहदी मीटिंग भी शाम ने करन जा रहे हैं, और असीं इस यकीनी बनावांगे कि कोई भी बंदे जिहड़े नजायज़ जिन्हां दे उत्ते तंग किया जा रहा या जिन्हां दे उत्ते मुकदमे बनाए गए ने उहनां लोगों की लड़ाई लड़ी जाए और उहनां नूं इस कानूनी जिहड़ी हर तरह की मदद उहनां नूं प्रोवाइड करे मुहैया कराई जाए, प्रोवाइड की जाए। सिंगू बॉर्डर ते किसानां ते कथित स्थानक लोकां विचाले हिंसक झड़पां दे इक दिन मगरों विदेशां चों किसानां दे हक विच आवाज़ उठण लगी है। लेबर पार्टी के ब्रिटिश संसद मैंबर तनमनजीत सिंह ढेसी ने चेतावनी दी है कि जेकर सत्ता में बैठे लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके रोस प्रदर्शन कर रहे किसानों बदसलूकी की तो इस उन्हों का अंदोलन होर मजबूत होगा। ढेसी ने ट्वीट करके कहा कि वह यह देख के हैरान ने कि पानी बिजली तो इंटरनेट की सहूलत तो वांझे किए जाने तो बाद भी भीड़ और पुलिस किसानों भड़का धरने वाली थान तो हटाने की कोशिश कर रही है। दस दिए कि इस तो पहला पंजाबी मूल के ब्रिटिश संसद मैंबरों ने किसानों के मौजूदा रोस प्रदर्शन को लेकर 100 संसद मैंबरों के दस्तखतों वाला एक पत्र ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को दिता सी। इस पत्र राही उन्होंने इस मुद्दे को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुकने लिए जॉनसन को अपील की सी। उधर कैनेडियन संसद मैंबर और NDP आगू जगमीत सिंह ने खेती कानूनों विरुद्ध अंदोलन कर रहे किसानों विरुद्ध हुई हिंसा से डूंगी चिंता का प्रगटावा किया। उन्हें कहा कि किसानों नुकसान पहुँचाने वाले पहचाना जाना चाहिए और शांतिपूर्ण विरोध करने के अधिकार को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहिब कमेटी के प्रधान अवतार सिंह हित ने किसान अंदोलन को लेकर अहम बयान दिता। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की मंग मननी चाहिए है। उन्हें भी कहा कि किसानों नाल धक्केशाही नहीं होनी चाहिए। गल है जी, बड़ी मंदभागी गल है सारे देश वास्ते भी, साढ़े वास्ते भी, सब वास्ते, क्योंकि अनहोनिया गल जो हो किसी मुल्क होने घर परिवार में हो तो तबाही का कारण नहीं बनदियां होंगे, कभी चंगे नतीजे नहीं होते निकले कभी भी। इस करके जिहड़े घर दे मालक होण, आगू होण, परिवार दे आगू होण, देश दे आगू होण, जे उह उहनां नूं समर्थ बख्शे परमात्मा के उह सीधे रस्ते चलन, जे उह ना चलन सीधे रस्ते तां फिर इस तों माड़े दिन कदे नहीं आ सकदे। इस मोर्चे नूं तार पीड़ो करन वास्ते किहड़ा तरीका जिहड़ा इह नहीं वरत रहा शुरू तों लै के, उह तरीका इहनां इक वी नहीं वरत्या कि जिहदे नाल कोई मसले दा हल हो जाए। हर तरीका उह वरत्या कि पहलां तां खालसा साडे सिर ते मड़िया, पहलों तों अतवादी सानूं बणाया, सिक्खां दे उत्ते मड़े सिक्ख अगे लगे हुए आ, हुण सिख जे देश की राखी करता तां वी मोहरे हुंदा, जे देश के अंदर की राखी करता तां वी मोहरे हुंदा। केसरी निशान साहब आजादी वाले दिन झाकी निकली गुरु तेग बहादुर साहब जी, उत्थे सलूट दिता राष्ट्रपति ने, मोदी ते खड़े सी, उदों नहीं दस्या वो की सीगा, वो खालसा दा जिहड़ा वो साडा धर्म का प्रतीक है, साडी दा चढ़दी कला प्रतीक है, वो असीं रखांगे भावें साडे सिर चढ़ उस नूं कायम रखण वास्ते तेरियां शहादतां होईआं। 26 जनवरी गणराज दिहाड़े मौके लाल किले उत्ते किसानी ते केसरी झंडा लहराउण वालों नूं गिरफ़्तार करने लिए दिल्ली पुलिस ने दबिश तेज कर दिती है। दिल्ली पुलिस दीआं टीमां वल्लों पंजाब दे वख-वख शहरां विच मुलजमां नूं हिरासत च लैण लई छापेमारी की जा रही है। दिल्ली पुलिस वल्लों झंडा लहराउण वाले जुगराज सिंह अते नवप्रीत सिंह बारे जलंधर च होण संबंधी इतलाह मिली, जिस तों बाद दिल्ली पुलिस जलंधर पहुंची अते जुगराज दे रिश्तेदार दे घर च छापा मारिया। हालांकि पुलिस नूं इत्थों जुगराज सिंह नहीं मिलिया।
अमृतसर के भंडारी पुल उत्ते संयुक्त किसान मोर्चे के आगुओं वालों भुख हड़ताल की गई। किसानों का कहना है कि बीते दिन दिल्ली में जो घटनावां वापरियां ने उसका सोग मनाने जिथे दिल्ली में भुख हड़ताल की गई है उत्थे पूरे हिंदुस्तान अपने पद्धर उत्ते किसान जथेबंदियों वालों अमृतसर भी भुख हड़ताल की गई है तो केंद्र सरकार खिलाफ़ रोस जाहिर किया गया। दिल्ली दे बरूहां उत्ते पिछले 60 दिनों तो खेती कानूनों खिलाफ़ संघर्ष कर रही किसान जथेबंदियों ते संयुक्त किसान मोर्चे वालों 30 जनवरी में महात्मा गांधी की 73वीं बरसी मौके सद्भावना दिवस के रूप में मनाउण अते पूरा दिन भुख हड़ताल करन संबंधी किए ऐलान तहत रायकोट के पिंड बुरज हरी सिंह विखे 7 किसानों वालों भुख हड़ताल की गई। इस मौके जानकारी दिंदा नौजवान किसान आगू दिलावर सिंह गरेवाल ते प्रदीप सिंह गरेवाल ने दस्या कि केंद्र की मोदी हुकूमत भाजपा ते आरएसएस अते गोदी मीडिया वालों किसानी संघर्ष को ढा लाने की कोशिश की जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा वालों पटियाला केंद्र सरकार के खिलाफ भारी रोस प्रगटाया गया। इस मौके किसानों ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों के अंदोलन बदनाम करने की चालां चल रही है जो कामयाब नहीं होने दी जाएंगी। उन्हें कहा कि अज पटियाला संयुक्त किसान मोर्चा वालों सद्भावना दिवस मनाते हुए डीसी दफ्तर के बाहर रोस धरना दिता गया। आगुओं ने कहा कि देश की सरकार तानाशाह सरकार बन चुकी है। दिल्ली के बॉर्डर उत्ते अपने हकों लिए बैठे किसानों दो महीने तो उपर का समा हो चुका है तो इस दौरान कई किसान अपनी कीमती जान गवा चुके हैं। ताज़ा मामला पिंड बिलासपुर तो सामने आया जिथों के 40 साल किसान की मौत हो गई है। दसया जा रहा है कि किसान बलविंदर सिंह अंदोलन दौरान बीमार हो गया जिस कारण उसकी घर वापस मुड़द्या राह ही मौत हो गई। इस कारण पिंड पूरा सोग का माहौल है। किसान आगुओं ने बलविंदर सिंह शहीद का दर्जा दिता तो उन्होंने पंजाब सरकार तो मुआवजे की मांग की है। मतलब बिलासपुर के रहने वाले थी जी 24 तरीक नूं दिल्ली गए थी। उत्थों दिल्लीओं बीमार होकर आ गए आँदे आँदे घर आ के इन्हां दी आँदे आँदे दी डैथ हो गई घर आण सारा की बीमार की ठंड वगैरह उत्थे कारण। हाँ जी हाँ जी ठंड ठुंड तो बहुत पै रही है जी उत्थे पता ही है थानू ठंड बहुत पै। किसान अंदोलन का सेक हुण बीजेपी आगू नूं लगन लग्या। भारतीय जनता पार्टी के प्रधान अश्विनी शर्मा का मंडी गोबिंदगढ़ पुजन उत्ते किसानों वालों जबरदस्त विरोध किया गया। भाजपा प्रधान अश्विनी शर्मा जिला फतेहगढ़ साहब म्यूनसीपल कमेटी दी चोणां संबंधी संभावी उम्मीदवारों नाल विचार वटांदरा करन अते टिकटां नूं फाइनल करन लई पहुंचे सन जिथे उन्हां नूं किसानों के विरोध का शिकार होना पिया। वड्डी गिणती विच इकत्र होए किसानों नूं वेखदिआं पुलिस वालों सख्त प्रबंधां हेठ बीजेपी के सूबा प्रधान नूं सुरक्षित कढ़िया गया। इस मौके विरोध कर रहे किसान आगुओं ने कहा कि केंद्र दी नरेंद्र मोदी की अगवाई वाली सरकार ने जो खेती के 3 कानून बनाए ने उन्हां नूं तुरंत रद्द किया जाए। किसान अंदोलन खिलाफ़ कुछ फिल्मी अदाकारा वालों किसानों उत्ते इतराजयोग टिप्पणी करने के विरोध में पटियाला में दूजी बार बॉलीवुड अदाकार की फिल्म की शूटिंग रोक दिया गया। पटियाला में जानवी कपूर की फिल्म की शूटिंग रोक दी गई। प्रदर्शनकारी ने कहा कि जदों तक फिल्मी कलाकार सच्चाई बयान करन ते किसान के हक में बयान नहीं देंदे तद तक उन्होंने फिल्म की शूटिंग रोक दी जाएगी। एक पासे किसानी संघर्ष सिखरां ते उत्थे दूजे पासे पंजाब में 14 फरवरी नूं होण जा रही नगर कौंसल चोणां नूं लैके सियासी पारा भखणा शुरू हो गया। इस दे तहत नाभा विखे 23 वार्डां विच नगर कौंसल चोणां नूं लैके पंजाब दे कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत वालों कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के हक में चोण प्रचार शुरू किया गया। इस मौके कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने कहा कि असी विकास के मुद्दे उत्ते चोणां लड़के भारी बहुमत नाल जित प्राप्त करांगे। इस मौके उन्होंने किसान अंदोलन नूं लैके केंद्र सरकार उत्ते तिखा निशाना साधिया। नरेंद्र मोदी का तो प्रधानमंत्री का वह वक्रा मिलन का सभ्याचार पर कैप्टन अमरिंदर सिंह किसानों पहला भी सी असी रद्द भी किए ने विधानसभा और पूरे हिंदुस्तान च पहली स्टेट आ जिन्हें किसानों का पक्ष पूरे है और जोड़े बंदे शहीद होए ने 5-5 लाख रुपया सरकार उन्होंने परिवारों दे रही है एक एक नौकरी दे रही है पूरे हिंदुस्तान किसी ने दिता। अज देश की लड़ाई लड़ रहा देश का हिंदुस्तान किसान अज उस किसान के नाल दृशा कर रही है मोदी सरकार ये रिजल्ट भुगतने पैणगे। कौमी राजधानी दिल्ली के पौश इलाके स्थित इजरायली दूतघर कोल हुए धमाके के मामले च पुलिस ने अहम सुराग के तौर उत्ते एक चिट्ठी और सीसीटीवी फुटेज च दो शक्कियां बारे पता लग्या है। चिट्ठी च विस्फोट नूं ट्रेलर दस्सिया गया तो इस चिट्ठी च ईरानी फौज के कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी ईरान के परमाणु विज्ञानी डॉक्टर मोहसिन फखरी जादा का नाम लिखा गया। पिछले साल अमरीका ने एक ड्रोन हमले जनरल कासिम सुलेमानी बगदाद च मार दिता सी अते पिछले साल नवंबर में फखरी जादा का भी कतल कर दिता गया सी। चिट्ठी तो इलावा हादसे वाली जगह तो मिले सीसीटीवी फुटेज अते दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच पता लग्या है कि विस्फोट तो पहला दो शक्की हादसे वाली जगह पर आए सन। दिल्ली पुलिस ने कैब की पछाण कर ली है तो चालक तो पुछगिछ करके दोहां शक्कियां बारे जानकारी हासिल कर रही है। सूत्रां ने दस्सिया कि दिल्ली पुलिस की जांच टीम ने इत्थे विदेशी खेती रजिस्ट्रेशन दफ्तर तो ईरानी नागरिकों बारे पूरी जानकारी मंगी है। पिछले एक महीने जो भी ईरानी नागरिक भारत आए हैं उन्होंने सारे की जानकारी मंगी गई है। जयशंकर ने भी कहा कि भारत सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लिया है।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले चागरा हाईवे उत्ते एक भयानक सड़क हादसा वापरिया। एक ट्रक और बस विचाले जोरदार टक्कर हो गई, जिस नाल बस च सवार 10 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 25 तो वध लोग जख्मी दसे जा रहे हैं। उत्थे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिवार वाले 2-2 लाख रुपए से जख्मियों 50-50 हज़ार रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। इस दे नाल ही उन्होंने अधिकारी ने भी निर्देश दिया कि जख्मियों पूरा मैडिकल सहूलत उपलब्ध करवाई जाए। महात्मा गांधी के बलिदान दिवस मौके देश की आजादी के संग्राम में अपना बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने लिए पटियाला के माल रोड उत्ते स्थित रजिंद्रा लेक विखे महात्मा गांधी जी के स्मारक उत्ते श्रद्धांजलि समारोह करवाया गया। इस मौके पुलिस की हथियारबंद टुकड़ी ने हथियार उल्टे करके शहीदों को श्रद्धांजलि भेंट की। इस मौके मौजूद सभना वालों 2 मिनट का मौन रखा गया। इस मौके PRTC के चेयरमैन KK शर्मा समेत होर आगू मौजूद रहे। ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੰਜੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ IGPC ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 2500 ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 1,31,00,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੀਸ ਸੀ। SGPC ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਓ.ਆਰ.ਜੀ .org ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ SGPC ਕੋਲ ਅਤੇ ਕੀ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ SGPC ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੱਭੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੜਾਉਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਸੀਦ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਚਾੜਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਜੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। एक ऐसा स्थान गुरु रामदास जी के नगरी में वाहेगुरु, हरमंदर साहब और अकाल तख्त साहब वाहेगुरु, यहाँ जो मांगू सब कुछ मिल जाता है और सब कुछ फुलफिल हो जाता है। तो बस 26 को जब जैसे दिल्ली से लौटा यहाँ पर 5 डुबकी और जो यहाँ पे अरदास किए दिल से,
किसान आंदोलन सफल हो जाए, अन्नदाता की लड़ाई में हमें ताकत दे वाहेगुरु, सिर्फ और सिर्फ मानवता के लिए वाहेगुरु। सिख एक ऐसा धर्म वाहेगुरु जो सिर्फ ह्यूमैनिटी के लिए, जब कुछ बुरा होता है मेरे नजरों में, दो एग्जांपल मेरे नजरों में, जब कोविड था तभी भी खालसा ने सेवा किया, तभी भी सिख ने सेवा किया था। लंगर प्रथा जिसका शुरुआत गुरु नानक देव जी ने 20 रुपए से शुरू किया था, वो प्रथा आज वर्ल्ड वाइड, जहां मिट्टी है जहां जमीन है वो सेवा हर जगह पर है। तो मेरे आंखों देखा सेवा जो लंगर जो पूरा मुंबई में जो कोविड में हुआ था, जो मैंने वीडियोस निकाल के अपलोड किए थे, वाहेगुरु वो सेवा एक। और अब जो हो रहा है दिल्ली में किसान आंदोलन, वाहेगुरु जो अन्नदाता है जिनके वजह से सब कुछ खा पाते हैं, वो एक अन्नदाता, उनके लड़ाई में भी यही खालसा यही लंगर सेवा, कहां पर सड़क पर, जमीन मैटर नहीं करता लेकिन सेवा मैटर करता है। वाहेगुरु वाहेगुरु, जो देश में चल रहा है जो काले कानून जो सरकार ने लागू किया, वाहेगुरु एक ही रिक्वेस्ट है कि इसको जल्द से जल्द रद्द किया जाए क्योंकि अन्नदाता है। वाहेगुरु एक रिक्वेस्ट है, बड़े बड़े स्टैचू खड़ा करना वो कुछ सही नहीं है, लेकिन आप किसानों को भी समझो, जल्द से जल्द अगर ये सही हो जाएगा, काले कानून रद्द हो जाएगा ना, तो देश का भला, किसी का भी नुकसान नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं, कुछ नहीं, एक पीसफुल आनंद ये जो है खत्म हो जाएगा प्रोटेस्ट। वाहेगुरु। पंजाब च 14 फरवरी नू होने जा रही नगर कौंसल चोणां नू लैके सियासी पारा सिखरां उत्ते विखाई दे रहा, सत्ताधारी पार्टी उत्ते धक्काशाहियां करन दे इल्जाम विरोधी पार्टियां वल्लों लगाए जा रहे हैं। फिरोजपुर च अकाली दल दे सीनियर आगुआं वल्लों प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई जिस च साबका कैबिनेट मंत्री जनमेजा सिंह सेखों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बिना चोणां करवाए अपने उम्मीदवारां नू जेतू करवाउणा चाहुंदी है, पर ओह अजिहा नहीं होण देणगे। फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन में चेन्नई, तुसीं बने रहो चढ़दी कला टाइम टीवी दे नाल, धन्नवाद।